जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में जो देखा एकदम बिल्कुल सही है। कोल इंडिया लिमिटेड ने निकाली है बम्पर वैकेंसी है। उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अपने लैपटॉप या सिस्टम के क्रोम ब्राउजर पर जाना है, ठीक है, क्रोम ब्राउजर पे जाना है और यहाँ पर टाइप करना है आपकी स्क्रीन के सामने जो है, आप देख सकते हैं, kingcraft.blogspot.com। ठीक है, ये आपको डालना है HTTP के साथ, ठीक है, या फिर डायरेक्ट ही kingcraft.blogspot.com क्लिक करके आप इंटर की बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे इंटर की बटन को प्रेस करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा ब्लॉगस्पॉट का ये वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट पे ही सबके ऊपर लिखा हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड में निकली बम्पर वैकेंसी है। ठीक है, इस वैकेंसी के बारे में हम देखते हैं क्या है कैसे है। मैं इससे पहले इसके बारे में कुछ बताऊं तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के नीचे जो भी लिंक है सारे के सारे मैंने लिंक दे रखे हैं। आप डायरेक्टली वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्लॉग स्पॉट वगैरह डालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली ये लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक कीजिएंगे तो ये सामने आ जाएगा। अब आइए देखते हैं कि हमें इस वैकेंसी को कैसे, क्या क्या इसने रिक्वायरमेंट मांगी है और हमें क्या क्या फुलफिल करना है। वैकेंसी में कौन कौन से पद हैं, किसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज है, कितनी फी है, वो सारी चीजें वन बाय वन देखते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने निकाली वैकेंसियां ढेर सारी हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, देखने वाली बात है। इंपॉर्टेंट डेट हम यहाँ पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, अप्लीकेशन डेट आप देख सकते हो 21/12 को है, यानी दिसंबर में ही है, जो कि आज से 4-5 दिन बाद ऑन हो जाएगा। सुबह 10 बजे के बाद से आप फुलफिल कर सकते हो। लास्ट डेट कब है अप्लाई करने का, 19 मतलब 1 जनवरी, सॉरी 19 जनवरी को, मतलब न्यू ईयर पे 11 PM ओनली। ठीक है, रात को 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो और उसके बाद फी भी लास्ट डेट वही है, संडे को ही, 19 तारीख को ही, रात को 11 बजे तक। ऑनलाइन जो आपका एग्जाम होगा वो ट्यूसडे और फ्राइडे को होगा, 27 और 28 फरवरी को। यहाँ पर एडमिट डेट जो है वो क्लियर नहीं बताया गया है, वो फरवरी 2020 में बताया गया है। अब आइए देख लेते हैं कि एज लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो 2020 में 1/4/2020 के अकॉर्डिंग है, आप लोग देख लीजिएगा पूरी जो क्लियर वेबसाइट अभी मैं नीचे दिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंग। मिनिमम कितना है अभी बताया नहीं गया है और मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जैसे ओबीसी कैटेगरी में जो लोग आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन्हें 3 ईयर की छूट मिल जाएगी और SC ST जो में जो लोग आते हैं उन्हें 5 ईयर की छूट मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर नोट करने वाली चीज है जो मैंने यहाँ पर दे रखा है, कॉपी पेस्ट कर रखा है, तो आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, कोई मेल करना है, कुछ भी पूछना है, तो सीधे आप इसको कॉपी करिए और अपने यहाँ पर नए टैब में ओपन कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और नया टैब ओपन करेंगे तो ये इसकी वेबसाइट, आपकी क्लियर वेबसाइट खुल जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन लिंक मैंने दे दिया है, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, डाउनलोड नोटिफिकेशन लिंक। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आपको जाना है तो ये यहाँ पर इस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आइए मैं नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नोटिफिकेशन को मैंने क्लिक किया, थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, देखिए डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पर अगर नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताया कि एप्लीकेशन कब आप भर सकते हैं, डेट क्या है, फी कितनी है, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करता हूँ मैं, यहाँ वेबसाइट दे रखी है। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिखा दूँ, यहाँ पर 11 11 नंबर पे है मीनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। जैसे IT में अब आप देख सकते हो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टाइप में, जिसमें BE BTech BSc ये सारी चीजें हैं और उसके साथ मिनिमम जो है वो 60% होना चाहिए एटलीस्ट आपके मार्क्स। ठीक है, इसी तरह ये सारी वैकेंसियां हैं, यहाँ पर देख सकते हैं HR भी है, HR की वैकेंसी निकली हुई है, मार्केटिंग का, सेल्स का, ठीक है, कम्युनिटी का, तो ये सारी वैकेंसी है। इसके साथ साथ क्या रिक्वायरमेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, सारा का सारा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा तो नहीं पढ़ के बता पाऊंगा, ठीक है, ये छोटी छोटी जितनी भी चीजें हैं आप इसको भर सकते हैं, पढ़ सकते हैं एक्चुअली, और पढ़ने के बाद अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी वैकेंसी आपके अकॉर्डिंग है उसको आप फुलफिल करें। ठीक है, 21 तारीख के बाद, तो ये पूरा का पूरा आप स्क्रॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे इसे। देखिए मैंने आपको बताया था ना 3 ईयर
ओबीसी को और 5 ईयर एसएसटी को छूट मिल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसको तो देखने के बाद ही आपको क्लियर पता चल जाएगा। वेबसाइट मैंने शेयर कर दिया है और ये भी लिंक, आप यहाँ पर जाएंगे तो ये दोनों दोनों चीजें हैं यहाँ पर, आप इनके ऊपर क्लिक करके चीजें ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना मेरी मेहनत को, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें पता चल जाए इसलिए प्लीज इसे शेयर करो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में।